लखनऊ के राजभवन परिसर में 3 दिवसीय क्षेत्रीय फल सब्जी एवं पुष्प प्रदर्शनी 2024 का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी इस प्रदर्शनी के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, मुझे प्रसन्नता है कि हर वर्ष यह आयोजन राजभवन प्रांगण में होता है और प्रदेश के ऑर्गेनिक फसलों में अपनी आमदनी में रुचि रखने वाले और प्रदेश के विकास में योगदान देने वाले हमारे किसान बंधु अपने अपने उत्पाद को इस प्रदर्शनी के माध्यम से प्रदेश के सामने रखने का कार्य करते हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत की कुल कृषि योग्य भूमि का मात्र 11% उत्तर प्रदेश के पास है, लेकिन खाद्यान्न उत्पादन उत्तर प्रदेश में देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन का 20% से अधिक होता है। मुझे प्रसन्नता है कि प्रतिवर्ष यह आयोजन राजभवन प्रांगण में होता है और बड़ी रुचि के साथ प्रदेश के औद्यानिक फसलों में अपनी आमदनी में रुचि रखने वाले और प्रदेश के विकास में अपना योगदान देने वाले हमारे किसान बंधु इस अवसर पर आकर के अपने अपने उत्पाद को इस प्रदर्शनी के माध्यम से प्रदेशवासियों के सामने रखने का कार्य करते हैं। हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश एक संभावनाओं वाला प्रदेश है। भारत की आबादी का 16% हिस्सा अकेले उत्तर प्रदेश में निवास करता है। भारत की कुल कृषि योग्य भूमि का मात्र 11% उत्तर प्रदेश के पास है, लेकिन खाद्यान्न उत्पादन उत्तर प्रदेश में देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन का 20% से अधिक शेयर उत्तर प्रदेश करता है।